हाय दोस्तों, आज बात करूंगा इस वीडियो में लोधा वुड्स। ये कांदिवली ईस्ट में आकरूली रोड पे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास बन रहा है। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर यानी सीपी एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इसी यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास परनवाल में। मैं आपको कुछ दिखाता हूं किस टाइप का इसका 2 BHK 3 BHK, बिकॉज सारे का सैंपल फ्लैट नहीं है यहाँ पे, तो कुछ तो आपको PDF के जरिए दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ मैं आपको एक्चुअल फ्लैट दिखाऊंगा। 8 टावर का पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें T1, T2, T3 ऐसा। आज जो मैं बात करूंगा जिसमें प्रॉपर्टी बचा हुआ है ना सेल करने के लिए, 2 और 3 BHK, T1, T2 यानी Tower 1, Tower 2, T7, T8। लोधा डेवलपर किसी के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना चुके हैं, टाइम टू टाइम डिलीवरी कर चुके हैं, इनके सारे कस्टमर अपने आप में हैप्पी है। आइए जानते हैं लोधा वुड्स के बारे में इस पूरे वीडियो में। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये लोधा के, वैसे तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लोधा के कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं। लोधा द पार्क, लोधा वर्ल्ड 1, वेलेयर, लोधा कोडनेम सीक्रेट 9, लोधा कप परेड, ऐसा इन्होंने कई टावर डेवलप किया है। आइए अब इसके बारे में जानते हैं लोधा वुड्स के बारे में। 5 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 5 एकड़ का पूरा इसका लैंड एरिया है जिसमें 8 विंग्स डेवलप कर रहे हैं ये। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट, 2 हाई स्पीड लिफ्ट और 1-1 स्टेयरकेस सारे में दिया हुआ है। ये पहले का ही अप्रूवल लिया हुआ है। 22 स्टोरी टावर है यानी 22 माले का, 8 विंग्स टोटल इसमें बन रहा है। एमिनिटीज जो इसका दिया हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, जो इसका पार्किंग के लिए सेपरेट टावर बनेगा उसके छत पे यानी उसके रूफटॉप पे सारा एमिनिटीज आएगा। लोधा वाले का एक फंडा अलग ही रहता है कि ये लोग कार पार्किंग फ्री जोन बनाते हैं पूरे कॉम्प्लेक्स को। इसमें एक अलग से आपको 10th स्टोरी टावर यानी 10 माले का अलग से कार पार्किंग के लिए टावर बना के दे रहे हैं, बिल्डिंग बना के दे रहे हैं जिसमें सिर्फ गाड़ियां खड़ी होगी। रेसिडेंस इसका पहले माले से शुरुआत है, रेसिडेंस वाली जो बिल्डिंग है वो अलग रहेगी। अगर आप रेरा के वेबसाइट पे देखना चाहते हैं क्या इसका रेरा से अप्रूवल मिला हुआ है, तो ये महारेरा नंबर है। मैं आपको 1-2 टावर का बता देता हूँ। टावर 1 का है इसका P518000045908, ये टावर 1 का रेरा नंबर है। और अब टावर 2 का बता दूं, P518000030744, ये टावर 2 का है। और टावर 8 का P518000046114, आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और ये रेरा का बारकोड है, क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप लोधा के बारे में पूरा देख सकते हैं कि क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है। अब मैं पोजीशन डेट बता दूं उसको, टावर 1 का दिसंबर 2025, टावर 2 का नवंबर 2024, टावर 7 का जून 2025 और टावर 8 का दिसंबर 2025। चारों टावर का अलग अलग पोजीशन डेट दिया हुआ है, प्राइसिंग ऑलमोस्ट सबका सेम है और ये बिल्डर जो है जून 2025 में ही आपको हैंडओवर कर देंगे। व्यू की बात करूं दोस्तों, यहाँ से व्यू इसकी बहुत खूबसूरत है। नेशनल पार्क व्यू आता है, सिटी व्यू आता है, ऊपर से आपको हाई राइज से सी व्यू भी आएगा, क्रिक व्यू भी आएगा। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहेंगे इजिली आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे बैंकों से अप्रूव्ड किया हुआ भी है। जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो, थोड़ी देर में मैं कॉन्फिग्रेशन यानी कि क्या फ्लैट किस टाइप का है, 2 BHK 3 BHK और कैसा क्या प्राइस है वो मैं आता हूँ। आइए कुछ एमिनिटीज जानते हैं। इसमें जो एमिनिटीज आ रहा है आपको, सारी एमिनिटीज आपको ये दे रहे हैं जिसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नासियम एंड योगा सेंटर, किड्स प्ले एरिया, लाइब्रेरी, गार्डन एंड वॉकिंग पाथ, गेस्ट रूम, सीनियर सिटीजन एरिया, बैंक्वेट हॉल, इंडोर गेम्स, बास्केटबॉल कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, क्रिकेट नेट, टेम्पल, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, ये सब यहाँ पे आपको एमिनिटीज आने वाला है। अब आते हैं इसके कॉन्फिगरेशन, साइजिंग, प्राइसिंग पे। इसमें 2 BHK और 3 BHK दो टाइप के फ्लैट बना रहे हैं ये। अगर आप जोड़ी फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं तो पेयर में भी जोड़ी में भी जा सकते हैं। 2 BHK का इसका साइज 766 एंड 781 यानी 766 स्क्वायर फुट का और 781 स्क्वायर फुट, बस दो साइज में इसके 2 BHK हैं। और इसका जो फ्लैट कॉस्ट है 1.70 CR to 1.90 CR, 1.70 करोड़ से लेके 1.90 करोड़ के बीच में इसका प्राइस है, जिसमें एक डेडिकेटेड कार पार्किंग आपको फ्लैट के साथ में आएगा। तो ये मैंने 2 BHK के बताया। अब आते हैं 3 BHK में। 3 BHK का ये PDF है
और 2 BHK का मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, फिर से आप देख लें, ये PDF 2 BHK का है और ये इसका फ्लोर प्लान है। ये बिल्डिंग का एलिवेशन इस टाइप का रहेगा। 3 BHK का साइज 1026 और 1142 के साथ में दो डेडिकेटेड कार पार्किंग आएगा, जो टोटली फ्री फ्लैट के साथ में दिया जाएगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों, 2.60 CR से लेकर 2.80 CR यानी 2 करोड़ 60 लाख से लेकर 2 करोड़ 80 लाख के बीच में इसका 3 BHK का प्राइसिंग आएगा। ये मैंने फ्लैट कॉस्ट बताया है आपको, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी GST वगैरह ये सब कुछ लगेगा। और एक बार बता दूं, मैं आपकी ऑनलाइन आपको पूरा फुल एंड फाइनल कॉस्ट नहीं दे पाऊंगा, आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। इसका फाइनल बॉटम प्राइस सबसे रिजनेबल सस्ते में डील करवाना है वो हम लोग आपको करा के देंगे, बिकॉज हम लोग बल्क में सेल करते हैं तो हमें एक अलग अंडरस्टैंडिंग रहता है। आप 1-2 फ्लैट लेते हैं, हम लोग 100-100 फ्लैट बेचते हैं दोस्तों। ये तो मैंने लोधा वुड्स के बारे में बताया। यहाँ से सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, व्यू चारों तरफ का ओपन व्यू आपको मिल जाता है, क्योंकि आसपास में इतना हाई राइज टावर नहीं है, सारे 4 माले की 7 माले की बिल्डिंगें हैं। और इस वीडियो के बाद भी आगे का वीडियो आप देखें जरूर, उसमें मैंने काफी सारी टेक्निकल चीजें बताया है कि बिल्डर के साथ नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, बिल्डर के साथ डील कैसे करना है और क्या क्या उसके सिस्टम होते हैं, कंडीशन होते हैं, काफी आपको हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ये सारे ट्रिक आपको काम आएगा। आगे का वीडियो आप जरूर देखें, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फोन करें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये चारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर, हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें, कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है, तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं, नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं।
उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूं ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है, कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार, 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है, बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये, कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं एनआरआईस हैं अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है उसको जो नॉलेज है उसको जो एक्सपीरियंस है वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है, आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल, 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा उसको क्रॉस कर दूं, ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे, आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़, 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचे दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़, 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं तो आप वो हमें ज्यादा इंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा इंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1,000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ
ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में एक साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयरटेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयरटेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।